हेलो गाइस गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग टेक वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे कि व्हाट्सएप पर स्टेटस कैसे लगाते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन है चैट के बाद में स्टेटस पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नीचे देखिए दो लोगों का स्टेटस लगा हुआ है। जिनका लगा हुआ रहता है उनके प्रोफाइल के चारों तरफ एक सर्कल सा बन जाता है ग्रीन टाइप का, तो इससे पता लगा सकते हो कि इन लोग का स्टेटस लगा हुआ है इस तरीके से। तो आपको अपना लगाना है तो आपको माय स्टेटस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने गैलरी से आपके जो भी फ़ोटो हो या इमेजेस हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसे एक साथ में दबाकर सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने कर लिया। करने के बाद आपको इधर नीचे राइट का मार्का दिया हुआ है बटन, इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है क्रॉप करने का, इमेज को आप यहाँ से इसे क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप करने के बाद नीचे जो डन का ऑप्शन है डन कर देंगे। उसका ऑप्शन एक है यहाँ से स्टिकर लगाने का। सपोज़ कीजिए कि आपको ये स्टिकर लगाना है तो बस इसको लगा कर आपको जहाँ पर रखना है ऐसा रख सकते हो। सब कलर इसे चेंज होता है। ठीक, एक ऑप्शन तो ये है डन करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट लिखने वाला, दूसरे पे जाएंगे इसको भी क्रॉप कर लेंगे वैसे ही। और डन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है तो लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से। इसको इमेज से चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो ये देखिए बटन है ना, इससे इसका डिजाइन चेंज कर सकते हो, मतलब इसका जो वन लाइन बोलते हैं उसको बैकग्राउंड वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से राइट लेफ्ट कर सकते हो। ये सब होने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है ऊपर बटन से। फिर आपको यहाँ वीडियो पर आना है, वीडियो काफ़ी लंबी है, इसको आपको जो भी पोर्शन चाहिए इसे आपको सेलेक्ट करके आगे पीछे कर लेना है। ठीक है, करने के बाद आपको इसे भी डन करना है, डन करना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आना है, इसमें से भी आप कुछ भी लगाना चाहे लगा सकते हो, इमोजी भी लगा सकते हो। लगाने के बाद आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हो इसे। ये सब करने के बाद आपको फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, जो भी आपको एडिट करना है आप कर सकते हो। करने के बाद सीधा आपको यहाँ पे देख रहे हो ये राइट का एरो है, उसके पहले देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेटस, ब्रैकेट में लिखा है कॉन्टेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टेटस कौन कौन देख सकता है, तो इसको टाइप करेंगे। अभी आपको जिसको जिसको दिखाना रहेगा आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट है सिर्फ वही लोग देखें तो आप इस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप चाहते हो कुछ चुनिंदा या फिर कुछ चॉइस लोगों को दिखाना तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, मतलब इसमें से आप एक दो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे इन लोग को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और ये जो लास्ट का ऑप्शन है ओनली शेयर विथ, इसमें ऑप्शन है कि सिर्फ जिसको सेलेक्ट करेंगे उन्हीं को दिखाई देगा, जिसको सेलेक्ट करेंगे उन्हीं को दिखाई देगा, ये भी ऑप्शन है। तो आपको माय कॉन्टेक्ट सबसे इजी पड़ता होगा, उस पर करने के बाद डन पे क्लिक करना है और लास्ट में इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड, कुडंट सेंड। अभी नेट मेरा स्लो है, नेट कनेक्ट नहीं हुआ है, इसके वजह से नहीं जा रहा है। कुछ इस तरीके से आप अपना स्टेटस लगा सकते हो। मेरा नेट बंद था, चालू कर लेते हैं इसे।
अभी कुछ टाइम में चला जाएगा। देखो लिखा है सेंडिंग, अभी जाएगा, देखिए चालू हो गया है, ये धीरे धीरे जा रहा है। यहाँ चलने के बाद ये जो ग्रीन सर्कल दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, तो समझ जाइए कि आपका स्टेटस लग चुका है। तो गाइस आप इस तरीके से बहुत ही इजी और सिंपल वे में आप अपना स्टेटस लगा सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे ज़रूर लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वीडियो में।